अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ सर। मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आठवीं जमात का सबक नंबर 11 जिसका नाम है शुमारियात, इसका मुताला करेंगे, जिसमें हमारा आज का नुकात है तारुफ और मश्क नंबर 11.1। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे सबक की हेडिंग पर हम आते हैं जिसका नाम है शुमारियात। क्या नाम है? शुमारियात है। यहाँ पर हम अगर इसका वाहिद लफ्ज़ निकाले तो होता है शुमारा। क्या होता है? शुमारा। और इसको अगर हम करें ये होता है शुमार। शुमार यानी गिनती। ओके, क्या होता है शुमार यानी क्या? गिनती करना। तो चलिए इसको हम थोड़ा और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल का मुताला करते हैं। यह हमारी किताब की पहली ही मिसाल है जो सरगर्मी के तौर पर हमें दी गई है। यहाँ पर हमें इस सवाल में औसत मालूम करना है। क्या मालूम करना है? औसत मालूम करना है। अब हमें मालूम, हमें क्या देखना है कि शुमारियात क्या होता है और यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दी गई है औसत, इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है। ओके, इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है? तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल हमारा कुछ इस तरह से कि नादरिया के ज़रिए एक किताब के रोज़ाना मुताला किए हुए सफ़ात की तादाद दी गई है, इस बिना पर रोज़ाना पढ़े हुए सफ़ात का औसत मालूम कीजिए। यानी हमें जो दिया हुआ सवाल है उसका हमें औसत मालूम करना है। तो दिया हुआ में हम लिखेंगे रोज़ाना पढ़े जाने वाले सफ़ात की तादाद, उसके बाद हमें क्या मालूम करना है? औसत मालूम करना है। तो औसत का ज़ाब्ता हमारे पास है तमाम शुमारों का मजमुआ। क्या होता है? तमाम शुमारों का मजमुआ, तकसीम शुमारों की कुल तादाद। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम शुमारों का मजमुआ, जितने भी नंबर यहाँ पर हमें दिए गए उन तमाम नंबरों को हम जमा की अलामत के साथ यहाँ लिखेंगे, जैसा कि हमें किताब में बताया गया है। ओके, यहाँ पर इस तरह से लिखना है। आइए इन तमाम की हम जमा करते हैं कि तमाम शुमारों का मजमुआ बोला है, जमा की अलामत है, सबकी जमा करते हैं। ये 50 और ये 50 हो गया 100। ओके, ये 54 और ये 46 हो गया, ये भी 100 हो गया, और आखिर में है हमारा 60। तो टोटल कितनी है हमारी? 260। ओके, यहाँ पर हमारा जो जवाब हमें मिला 260, औसत बराबर 260/5। तो चलिए 260 को हम 5 से तकसीम करते हैं, 5 से तकसीम करते हैं। ओके, यहाँ पर 5×5=25, कितना बचा? 1 बचा, बने 10, 5×2=10। तो यहाँ पर हमें के नादिरा के ज़रिए, यानी नादिरा एक दिन में कितने सफ़ात का मुताला करती है, हमें उसका जवाब मिल चुका है, वो है 52। तो लास्ट में हम इसे तहरीरी लफ्ज़ों में लिखेंगे कि रोज़ाना मुताले किए हुए सफ़ात का औसत कितना है? 52 है। इस मिसाल से हमें क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर शुमारियात यानी शुमारा कुछ नंबर है यानी गिनती है, इन गिनतों को गिनती के हमने क्या किए? जमा किए। क्या किए? जमा किए। ओके, और जमा करने पर हम लास्ट में किसी नतीजे पर पहुँचे। किस पे पहुँचे? नतीजे पर पहुँचे, इसी को कहते हैं शुमारियात। क्या कहते हैं? शुमारियात कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमको सरगर्मी दी गई है हम सबको हाईलाइट कर देते हैं। किताब में हमें बॉक्स दिए हुए खाली, वहाँ पर आपको ये तमाम नंबर लिखना है। तो चलिए तारीफ कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर किसी वाक़े के ताल्लुक से या मसले के मुतालिक शुमारियात की मालूमात जमा करना। यहाँ पर हमने वही किया, तमाम शुमारों का मजमुआ जिस तरह से, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, उस मालूमात का मुताला करें और एक नतीजे पर हम पहुँचे। तो नतीजा हमें क्या हासिल हुआ? 52 हासिल हुआ। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? शुमारियात कहते हैं। तो एक्चुअली में शुमारियात जो होता है ये कई तादाद यानी कई नंबरों का हिसाब करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। अगर आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें तो जिसे हम कहते हैं अनगिनत। क्या कहते हैं? अनगिनत। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यानी गिनती भी किया गया है। शुमारियात यानी अनगिनत नंबर होते हैं हमारे। ये हमारा दसवीं में भी सबक है, कुछ दसवीं में इसकी डेफिनेशन भी हमारे सामने इस तरह से दी गई है कि शुमारियात इल्म रियाजी की एक शाख है जो अददी मातियात के ज़रिए जमा करना, उनका इजहार करना और उनका तजिया कर कर किसी नतीजे पर पहुंचना। ओके, यही हमारा क्या होता है? शुमारियात होता है। वही हमने यहाँ पर देखा। चलिए इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी किताब का पहला पॉइंट है मियानिया। एक्चुअली में जो मियानिया होता है वो औसत ही मियानिया होता है। औसत तो हमने पीछे देखी, अब मियानिया और औसत में क्या फ़र्क है?
तो यहाँ पर इसका जाप्ता है, यहाँ पर आपको एक जाप्ता दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर ये जो निशानी दिखाई दे रही है, ओके, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सबमिशन। क्या कहते हैं? सबमिशन, ओके। इसका जो लफ्ज है सम, सम मीन्स यानी जमा करना, क्या करना? जमा करना, ओके। एन तो हमारा वही कुल तादाद सेम टू सेम है जो हमने पिछली एग्जांपल में दिखा, क्या था हमारा? शुमारों का मजमुआ, यही जब्ता है ना हमारा पिछला औसत के लिए। और कुल तादाद यहाँ पर भी वही इस्तेमाल किया गया, बस नाम उसका चेंज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर मियानिया और औसत, ये जब्ता हम किस एग्जांपल पर और कब इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मियानिया, ये जो एग्जांपल, ये जो जाप्ता है हमारा, ये उन नंबरों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उन मिसालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पर नंबरों की तादाद ज़्यादा हो और जहाँ पर हमारा वक्त ज़्यादा सर्फ हो, वहाँ पर हम मियानिया यानी इस जाप्ते का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सवाल हमें दिया गया है कि मटर की 50 फलियों में कितनी, 50 फलियाँ दी गई है और हर फली में दानों की तादाद दी गई है, यानी ये 50 फलियाँ है कि हर फली में इतने दाने थे, किसी फली में 4, 3, 2 इस तरह से दाने हमें हासिल होते हैं। तो हमें क्या करना है? इसकी मदद से इसका मियानिया मालूम करना है। तो आइए हम जवाब, यहाँ पर हम पूरा सवाल एज इट इज जैसा है वैसा ही उतारेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम एक नया तरीका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, यानी एक जदोल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम हम इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो नंबर से हमें लिखना है, सवाल में जिस बात का जिक्र दिया गया है, किसका जिक्र दिया गया है? मटर की फली का। तो पहले वाले कॉलम में, यानी इधर की सिमत में, यहाँ पर हम पहले वाले कॉलम में लिखेंगे मटर की फली। नंबर दूसरा वाला जो कॉलम है वहाँ हम लिखेंगे शुमारियाती निशान। नंबर 3 तादुद और नंबर 4, ओके, इस तरह से एक्स आई और एफ आई, यानी मटर की फली जो है हमारा पहला है, एक्स आई से, एक्स आई से ज़ाहिर करते हैं और तादुद को हम एफ आई से ज़ाहिर करते हैं। तादुद मीन्स यानी यही हमारा नंबर ऑफ एन, यही होता है। तो चलिए, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें दिए हुए नंबरों में, तमाम नंबरों में सबसे छोटा जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो तलाश करना है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, क्या दिखाई दे रहा है हमें? 2। और सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 8। तो हम यहाँ पर जो मटर की फली एक्स आई हमने लिखा है, वहाँ पर हम पहले 2 लिखेंगे और 2 से लेकर 8 तक के हम, 8 तक हम तमाम गिनती लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपको सबसे पहले क्या तलाश करना है? सबसे छोटा नंबर और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर, और उसके दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं वो तमाम नंबर आपको लिखना है। अब चलिए एक एक करके हम सबसे पहले किसे तलाश करते हैं? 2 को तलाश करते हैं। यहाँ पर पहली वाली जो रो है हमारी, पहली वाली रो में 2 कितनी दफ़ा आया है, हम उसे काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। उसके बाद 5, 6, 7, आइए इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, नीचे 13, 14, 15, 16, यानी 2 हमें कितनी दफ़ा हासिल हुआ? 16 मरतबा हासिल। ये बात आपको याद रखनी है, यानी यहाँ पर तादुद में हमें 16। अब बारियाती शुमारियाती निशान क्या होता है? तो शुमारियाती निशान यानी हमने रोमन नंबर सीखा हुआ है इस तरह से, ओके, इस तरह की गिनती होती है हमारी। तो यहाँ पर देखिए 16 हमें लिखना है, तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर 4 तक हमने लिखे, अब 5 हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तिरछी लकीर बना देंगे, यानी 4 को काटता हुआ एक ख़त्म की स्थिति, ये हो गया 5। इसी तरह से हम अगले नंबर, यानी हमें 16 लिखना है, आइए गिनती 3, 4, 5, 10 हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 15 हो गया, उसके बाद एक कितना हो गया? 16। तो यहाँ हम लिखते हैं 16। इसके बाद हम 3 तलाश करते हैं, 3 कितनी दफ़ा हमें इस्तेमाल हुआ है, चलिए हम 3 का इस्तेमाल कितनी मरतबा आया हुआ है हम 3 तलाश करते हैं। मैं दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नीचे आते हैं 12, 13, 14,
कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है? 14 दफ़ा। तो इसी तरह से हम रोमन नंबर में से लिखना है, यानी शुमारियाती निशान में लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 1, 2, 3, 4, हो गया 14। इस तरह से हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखे 14। उसके बाद 4 का नंबर लगता है, तो चलिए 4 को हम एक नए कलर से इस्तेमाल करते हैं कलर का, तो कितना आता है हमारा, ओके 4 जो है यहाँ पर, पहले इसमें हमें मिल गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर यहाँ पर आइए, उसके बाद 5, ओके उसके बाद 6, यहाँ पर 7, ये देखिए, उसके बाद 8, 9, 10 और एक हो गया 11। कितनी दफ़ा है? 11 दफ़ा है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर 11 दफ़ा, 11 मरतबा लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और आखिरी में कराया, यहाँ पर हम लिखते हैं 11। उसके बाद 5 को तलाश करते हैं, 5 कहाँ पर है हमारे पास, तो या हम नया कलर इस्तेमाल लेते हैं, इसके लिए नया कलर हम लेते हैं ब्लैक वाला। तो 5 पहली रो में नहीं है, यहाँ पर है 1, उसके बाद 2, आगे बढ़ते हैं 3, 4, कितनी दफ़ा आया हुआ है? 4 दफ़ा आया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 को, 1, 2, 3, 4 और यहाँ हमने लिखा 4। उसके बाद 6 तलाश करते हैं, चलिए 6 कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए पहली रो में 6 मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद है 1, 2, 3, 3 दफ़ा हमें हासिल हुआ है 6। इस तरह से आपको लिखना है, ओके यहाँ पर 3, 7 हमें मौजूद नहीं है, इसलिए डैश 00। 8 कितनी दफ़ा दिखाई दे रहा है? 1, 2 बार, ओके यहाँ पर। अब इसके बाद हमें बोला गया एक्स आई और एफ आई, इनकी क्या करना है? ज़र्ब करना है, यानी इनके दरमियान में कोई अलामत हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो यानी यहाँ पर कौन सा अमल होगा? ज़र्ब होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 दूनी 32, फिर 14 दिया 42, 11 चौक 44, फिर 4 पंजे 20, 6 दिया 18, यहाँ पर 0 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हमने जो दिया हुआ सवाल था उसको हमने ऐसी शक्लों में दिया। चलिए हम ये पूरा का पूरा टेबल दूसरी स्लाइड पर ले जाते हैं, और सबसे पहले मियाँ का जब्ता जो हमें दिया हुआ हम जब्ता लिखते हैं, ये हमने उधर से पूरा टेबल उठा कर लिया है। अब यहाँ पर जब्ते में हमें क्या बोला गया? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी ये वाले हिस्से का जमा करना है, यानी इसमें जो नंबर तमाम नंबर है इनके हमें जमा करना है। तो चलिए हम नंबर से जमा करते हैं, देखिए 2, 4, 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है? 22। तो 22 का कितना? 2 हासिल आए, 2 यहाँ 2 लिखा हमने, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 14, 15, 16, 17, यानी कितना टोटल? 172। कितना है हमारा जवाब? 172 हमें मिल गया। और F यानी एफ आई यानी तादुक मीन्स यानी क्या? N। और हमें सवाल में बोला गया है कि कुल मटर की फलियाँ कितनी है? 50 है, तो N बराबर कितना? 50। चलिए अब कीमत यहाँ रखते हैं हम जाप्ते में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए जब नसब नुमा में जो हमारा नसब नुमा दिखाई दे रहा है, ओके इस तरह के नंबर अगर आते हैं जैसे 50, 20, उसके बाद हमारा नंबर दूसरा है 25, इस तरह के अगर नंबर आए तो इन्हें आपको क्या करना है? 100 में कन्वर्ट करना है। अब मानिए 50 को कन्वर्ट करना है 100 में, तो कितने से ज़र्ब करना है? 2 से। 20 को 100 में तब्दील करना है तो 5 से ज़र्ब करेंगे, और 25 को 4 से। ये बात आप याद रखिए, ये सिर्फ यही नंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? नीचे वाले को 100 बनाते हैं। तो अब जब नीचे वाले को हम 100 बनाएंगे तो यानी पूरी कसर को कितने से ज़र्ब देना होगा? 2 से। तो चलिए 172 को 2 से ज़र्ब करते हैं, 2 दूनी 4 हासिल, उसके बाद 7 दूनी 14 हासिल आया, 1, 2 एक 2 और 1 3, ओके। तो यहाँ पर हमारा जवाब मिला 344 तकसीम। अब 50 को 2 से दिए तो कितना हो गया? 100।
यहाँ पर असल करने का मकसद ये था क्योंकि हमें जवाब फिर हम इसको हमारा ये जो तकसीम है बहुत लंबा चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि हमने नीचे अगर ऐसे नंबर पाए जाते हैं तो उसे हम 100 बनाकर हल कर सकते हैं। और हमने कसर में सीखा हुआ है कि अगर नसब नुमा में 2 सिफर हो तो ऊपर वाले नंबरों में 2 अदद के बाद अशारिया लगाते थे। तो हमारा जवाब है 3.44। तो हमारा लास्ट में जुमला लिखना है कि मटर की हर फली में दानों की तादाद कितनी है, 3.44 मौजूद है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं मश्क की तरफ। 11.1 का पहला सवाल, यह हमें सरगर्मी भी दिया गया है। अब देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर ऑलरेडी दे दी गई है, सिर्फ हमें ज़र्ब करना है। तो 4 × 4 इन दोनों की ज़र्ब करते कितनी होगी, 12, और 12 को 3 से ज़र्ब देते 12 × 3 = 36, उसके बाद 8 × 4 = 32। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम तादुद जो है तादुद जो हमको दिखाई दे रहा है उसकी हमें क्या करना है, जमा करना है। तो हम इसकी जमा करते हैं, यहाँ पर कितना बोला गया है 30। देखिए सवाल में 30 दिया गया है तो इसकी भी जमा 30 ही है। 4 × 6 = 10, और ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 10, टोटल कितनी हो गई 30। यहाँ पर हम 30 लिखते हैं, आइए इनकी जमा करते हैं। यहाँ पर जमा करते हैं, देखिए 4, 6, 6 × 12 = 13, 14, 14 × 4 हासिल का आया 1। ओके, 1 और 2, उसके बाद 5 और 3 = 8, कितना हो गया 84, कितना हो गया 84। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई। चलिए कीमतें रखते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 84, 84 × 30। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसे हम 100 तो बना नहीं सकते, फिर हम जैसे नॉर्मल तकसीम करते हैं ऐसे ही हम तकसीम करते हैं। 30 का पाड़ा हमें याद है, 30 के पाड़े में 84 नहीं आता लेकिन 60 आता है, तो हमने यहाँ पर 60 का इस्तेमाल किए, कितना बचा 4, 2, 24। ओके, यहाँ पर फिर हम 0 लगाते हैं या अशारिया। ओके, अब 30 के पाड़े में 240 आता है, कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, 2.8। यहाँ पर हमें इस तरह से, प्यारे बच्चों आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है वीडियो के बारे में कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है ये भी सरगर्मी वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पर सरगर्मी के साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इस जदोल की मदद से उन क्वेश्चन के जवाब लिखना है। तो जिस तरह से देखिए यहाँ पर भी एफ आई और एक्स आई वाला कॉलम खाली है, चलिए इनकी ज़र्ब करते हैं। तो 30 की ज़र्ब अगर 7 से करें तो कितना होता है 210, फिर 45 को 200 ज़र्ब दिए तो 90, फिर 60 को अगर 8 से ज़र्ब दिए यानी 648 यानी 480, फिर 75 को 5 से ज़र्ब करते हैं नीचे की सिमत में 75 ज़र्ब 5। ओके, 5 × 5 = 25 हासिल किया आया 2 + 5 = 35 और 2 = 37। ओके, यानी 375। इसके बाद 90 को 3 से ज़र्ब कर देते हैं तो कितना होता है 9 × 27 यानी 0 का 0 = 270। आइए इसकी जमा करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमें कितने गांव बोला गया है, 25 खानदानों का ज़रिए। ओके, अब यहाँ पर इनकी जमा करना है, तो इनकी जमा किस तरह से करेंगे, याद देखिए 0, 0, 0, 5, यहाँ पर कितना गया हमारा पहला 5 आ गया। ओके, यहाँ हमारा कितना गया 5 आ गया, उसके बाद 1, 10, 18, 25 और 32। ओके, कितना हो गया 3, 3, 5, 5 और 4, 9, 9, 12, 13, 14 यानी 1425, बराबर है 1425 हमारा जवाब हमें मिल गया। आइए अब हम सवाल की जवाब की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कुल खानदान कितने हैं। तो 45 यूनिट कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके कुल खानदान कितने हैं हमारे पास 2 है, कितने हैं 2 है। तो चलिए जवाब लिखते हैं यहाँ पर हम, मैंने यहाँ पर सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर 90 लिख दिया हो, 45 के कुल खानदान कितने हैं 2 आपको यहाँ लिखना है। ओके, जिस शुमारा का तादुद 5 है वो शुमारा कौन सा है, कौन सा है जिसका तादुद 5 है, तो वो शुमारा कौन सा है हमारा 75 है, कौन सा है 75, दूसरे सवाल का जवाब 75। ओके, तीसरा सवाल है हमारा एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है 1425 और ओनली 25। ओके, ये हमारा सवाल है। अब चौथे सवाल की तरफ हमें बढ़ना है, चौथा सवाल हमें क्या कहता है,
क्या है चौथा सवाल, हमें क्या मालूम करना है, बिजली का मियानिया मालूम करना है। क्या मालूम करेंगे हम, बिजली का मियानिया मालूम करेंगे। तो जब्ता लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। चलिए 14/25/25। देखिए मैंने आपसे कहा था नीचे 25 आ गया, इसे 100 बनाना है, तो हमें कितने से ज़र्ब देना होगा, 4 से। तो चलिए 4 से ज़र्ब करते हैं यहाँ पर, 4 × 5 = 20, हासिल का आया 2, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 10 का सिफर, हासिल आया 1, 4 × 4 = 16, 16 × 1 = 17, हासिल आया 1, 4 × 1 = 4 और 1 = 5, कितना हो गया 57, कितना हो गया 57, 100। तकसीम में कितना है हमारा, 100 हो गया। तो 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 57 हासिल हुआ। तो मियानिया, बिजली का मियानिया, लास्ट टाइम आपको जवाब लिखना है, बिजली का मियानिया 57 है, कितना है 57। ओके तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी, आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 3 कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपको ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ओके इसके बाद सवाल नंबर 3 है, चलिए यहाँ पर हम पूरा सवाल लिखते हैं जदोल में, बाकी तमाम चीज़ें जो हम लिखते आए वैसा ही। अब यहाँ पर एक एक करके, सबसे पहले छोटा नंबर क्या है हमारा, 1 है, तो चलिए 1 हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 6, तो यहाँ पर हम गिनती कहाँ तक करना है, 6 तक करना है, 2 3 4 5 6, जिस तरह से हमने काउंटिंग किए थे वैसा ही करना है। 1 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2, यानी 2 मरतबा आया, तो यहाँ पर हमें लिखने ये 2 लाइन या हम इस्तेमाल करेंगे 2। फिर 2 को हम तलाश करते हैं कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, यहाँ पर हम 8 लिखते हैं। अब 3 को तलाश करते हैं कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके कितनी दफ़ा है, 7 दफ़ा है, कितनी दफ़ा है, 7 दफ़ा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये हो गया 7। ओके यहाँ पर हमने 7 लिखा। आप 4 को तलाश करते हैं, 4 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी दफ़ा है, 8 बार लिखना, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, यहाँ हम लिखते हैं 8। 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर 6 को तलाश करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ पर हमारा एक नंबर मिस हो गया, जो बड़ा नंबर है वो है 7। ओके यहाँ तक हमें लिखना है 7। चलिए देखिए 1 2, ओके यहाँ पर हमें लिखना है 1 2, सॉरी यहाँ पर हम पहले इसके 6 लिखते हैं, यहाँ पर 6 और ये हो गया हमारा 2। ओके इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हमें इन दोनों की ज़र्ब करना है। तो यहाँ पर 2 × 1 = 2, 8 × 2 = 16, 7 × 3 = 21, उसके बाद 8 × 4 = 32, फिर 7 × 5 = 35, 6 × 6 = 36 और 7 × 2 = 14। यहाँ पर हमकी जमा करना है, हमें कितने ख़ानदान बोला गया, 40, तो n बराबर हमें मिल गया 40। इसकी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 40 है, सवाल में हमें एक बात दे दी जाती है। अब इनकी जमा करते हैं, 2 और 6 = 8, 8 और 1 = 9 = 10 = 11, 11 और 5 = 16, 16 और 10 कितने होते हैं, 26, 26 के 6 हासिल किया आया 2। ओके
उसके बाद दो और एक तीन, पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक पंद्रह, 156। ओके देखिए ये हो गया 10 15 बीस 26 के बराबर, कितना है समीशन एफ आई एक्स आई 156 हमें हासिल हुआ। चलिए जब्ती की मदद से, यानी क्या है हमारा मियानिया बराबर समीशन एफ आई एक्स आई ओके अपॉन में एन, तो कितना है 156 तकसीम 40। अब यहाँ पर अगर आपको 40 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, वरना इसे छोटा कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं दो से तकसीम कर देते हैं, ये हो जाएगा 20 और इसे दो से अगर तकसीम करें ये हो जाएगा 7, एक बचा 78, कितना हो गया 78, 20 बच गया हमारा। ओके और तकसीम कर लेते हैं इसे, कितना करते हैं 10 और इसे काट देते हैं 3 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 39, यानी कितना मिल गया हमें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 39/10। ओके तो हमारा फाइनल आंसर यानी हमारा जो मियानिया हमें हासिल हुआ वो कितना हासिल हुआ, देखिए मियानिया बराबर आचार्य नीचे का दद है, आचार्य एक दद के बाद इस्तेमाल करेंगे 3.9। तो लास्ट में हमें क्या जवाब लिखना है कि 40 खानदानों के अफराद की तादाद का मियानिया कितना है, 3.9 है, कितना है 3.9 है। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होगी। चलिए हम एग्जांपल नंबर 4 की तरफ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 4 भी हमारी बहुत आसान है, हम वैसे ही जदोल पूरा सवाल लिखते हैं, बहुत आसान सवाल है हमारा, ये थोड़ा फास्टली इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, एक, कहाँ तक लिखना है गिनती, 5 तक ओके, 2 3 4 5 ओके गिनती करते हैं यहाँ पर, एक कितनी दफ़ा है 1 2 3 बस 3 दफ़ा है, यहाँ लिखना 1 2 3 ओके, 2 कितनी दफ़ा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 3 कितनी दफ़ा है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 दफ़ा है 1 2 3 4 5 6, 4 को तलाश करते हैं 1 2 3 दफ़ा 1 2 3, 5 1 2 दफ़ा है, कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है 1 2 ओके, क्या बोला गया है 20 साल बाद, यानी जाहिर सी बात है इनकी जमा n बराबर हमें मिल जाएंगी 20। अब इनकी ज़रब करते हैं 3 × 3 6 × 2 = 12 6 × 3 = 18 4 × 2 = 4 = 12 और 5 × 2 = 10। चलिए जमा करते हैं 3 × 2 = 5 5 × 8 = 13 13 × 2 = 15 15 × 5 हासिल किया गया 1 1 2 3 4 5, इन कितना है 55 है। आइए जब्ता इस्तेमाल करते हैं हमारा मियानिया का, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब निकल रही है लेकिन ओके कीमत रखते हैं 55 अपॉन कितना है 20 ओके। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें तकसीम में अगर 20 दिया जाए तो हम क्या करते हैं इसको 100 बनाते हैं, तो कितने ज़रब करना है 5 से, तो हम किससे 55 को 5 से ज़रब कर देते हैं, 5 × 25 हासिल किया है 2 5 × 25 = 2 27 ओके, ये हो गया हमारा 275 तकसीम में हो गया हमारा 100। तो फाइनल हमारा जो आंसर हमें मिला वो क्या मिला, मियानिया बराबर 2.75 ओके क्या आंसर मिला हमें 2.75। तो लास्ट में आपका जवाब क्या रहेगा कि रियाजी और साइंस के प्रोजेक्ट की तादाद इस बिना पर तादाद मातियात का मियानिया मालूम कीजिए ओके, यानी हमारा फाइनल आंसर लिखना है कि 2.75 इसका मियानिया है। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और अपने चैनल को